everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Keerti and I wish you all a very happy Dev Deepavali. तो हम आ चुके हैं बनारस के घाट पे और देव दीपावली सेलिब्रेट करने. वैसे तो देव दीपावली कल है बट ऑफकोर्स हम लोगों के लिए तो एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे हो रहा है गंगा महोत्सव, तो चलिए आपको उसकी भी झलक दिखाते हैं और यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसा है माहौल, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में. अंत तक बने रहे. तो हम आ चुके हैं काशी के सबसे फेमस घाटों में से एक अस्सी घाट पर, जहाँ की रौनक आज के दिन कुछ और ही थी क्योंकि पूरा घाट सज चुका था, पूरा घाट भर चुका था और यहाँ हो रहा था काशी का प्रसिद्ध गंगा महोत्सव, जिसकी अपडेट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को दी थी. वैसे तो हर साल गंगा महोत्सव राजघाट पर होता था बट इस बार ये गंगा महोत्सव अस्सी घाट पर रखा गया था. इस वजह से आपको लोगों की और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी और आप देख सकते हो कि घाट को भी कितनी खूबसूरती से सजाया गया है. जिधर नज़र पड़ेगी आपकी उधर आपको लाइटिंग, डेकोरेशन और लोगों की भीड़ नज़र आएगी जो दूर दूर से आए हुए थे बनारस के ग्रैंड फेस्टिवल का पार्ट बनने, जो कि है देव दीपावली. तो उन सभी लोगों का स्वागत है हमारे शहर बनारस में जो दूर दूर से इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने आए हैं. तो आप देख सकते हो कि यहीं पे हो रहा था गंगा महोत्सव, यहीं पे स्टेज बनाया गया था और यहाँ पे होती है अस्सी घाट की गंगा आरती भी. और हज़ारों लोग एक साथ इस गंगा महोत्सव को देखने आए थे, देख रहे थे. आपको सीढ़ियों पे लोग दिखेंगे, चेयर्स पे लोग थे, पूरा घाट लोगों से भरा हुआ था. वैसे तो मेरा भी मन था कि मैं इस बार भी गंगा महोत्सव अच्छे से कवर करूं, लाइक एक आध परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट मैं कवर करूं, बट क्योंकि हमें लेज़र लाइट शो कवर करना था, बोटिंग भी करनी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाई. और ये एरिया इतना बड़ा है, मतलब यहाँ के घाट इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप इनको जितना देखो, जितना एक्सप्लोर करो, कम है. तो हम लोगों के लिए भी बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम इधर जाएँ कि उधर जाएँ. तो वैसे तो आपने लेज़र लाइट शो का वीडियो देख के लिया होगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया अपने चैनल पे. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको चेकआउट करना क्योंकि इस बार का लेज़र लाइट शो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. काफ़ी लंबा भी था और जैसा कि मैंने आपको अपडेट में बताया था कि गंगा अवतरण की कहानी सुनाई गई थी उस लेज़र लाइट शो में, तो काफ़ी अच्छा लगा इस बार का लेज़र लाइट शो मुझे. तो वो आप ज़रूर चेकआउट करना. तो ये तो थी एक बहुत छोटी सी झलक देव दीपावली की क्योंकि काफ़ी कुछ हमने एक्सप्लोर किया था, काफ़ी कुछ कवर किया था, बट जो कि देव दीपावली आज ही है तो हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि हम एडिट कर पाएँ और आप लोगों को दिखा सकें. तो आज तो हमें देव दीपावली मनाने अपने घाटों पे वापस जाना है. आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम आपको देव दीपावली से जुड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाते रहेंगे और देव दीपावली का पूरा वाइब फील करवाते रहेंगे. मिलती रहे, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट.